और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ललित गेट विवाद पर सुषमा स्वराज की सफाई आई है। ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा है कि ललित मोदी की मदद नहीं की, ट्रैवल वीजा के लिए सिफारिश नहीं की उन्होंने, ब्रिटेन सरकार पर फैसला छोड़ा था। एक तरह से स्पष्टीकरण देते हुए सुषमा स्वराज नजर आई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते संसद के तमाम दिनों लगभग 4-5 दिन पूरी तरह से वॉशआउट रहे, हंगामा चलता रहा, जिसके चलते कोई भी सदन में कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। क्लियर अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, इस्तीफा नहीं होगा तो संसद नहीं चलेगी। ऐसे में आज सुषमा स्वराज ने एक बार फिर से ट्विटर का सहारा लिया। हालांकि सरकार ये कहती आई है कि सुषमा स्वराज स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है, इसलिए शायद ट्विटर को जरिया बनाते हुए एक बार फिर से सुषमा स्वराज ने ये कहने की कोशिश की है कि उन्होंने ललित मोदी को कोई मदद नहीं पहुंचाई। आपको बता दें संसद में एक एक मिनट जो जाया जा रहा है उसकी कीमत 29,000 रुपए होती है, टैक्स पेयर का पैसा। 21 दिनों का सेशन है, ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं मॉनसून सत्र जो पहले से ही छोटा होता है, अहम बिल चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो, वो बिल अटका हुआ है। कई करीब करीब 32 ऐसे विधेयक हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो अटके हुए हैं। ऐसे में संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और अब ये ट्वीट किया है सुषमा स्वराज ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ललित मोदी की मदद नहीं की उन्होंने।